उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल प्रदेश की हॉट सीटों में शुमार है। इस सीट के मायने क्या हैं? उदाहरण बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के ताबड़तोड़ प्रचार से साफ देखा जा सकता है। इसी कड़ी में अनिल बलूनी श्रीनगर के बिल्केदार पहुंचे, जहां उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की और लोगों को संबोधित किया। हमारी जिम्मेवारी उत्तराखंड के लोगों की बहुत ज्यादा है, गढ़वाल के लोगों की बहुत ज्यादा है, उनके आसपास सारे गढ़वाल के लोग आप देख लीजिए। अजीत डोभाल जी इसी विधानसभा से ब्लॉक के, इसी ब्लॉक के हैं। आप देखिए अनिल चौहान जो सीडीएस है वो श्रीनगर के रहने वाले हैं, सारे उनके इर्द गिर्द उत्तराखंड के लोग हैं। हम सबकी जिम्मेवारी बहुत सारी बनती है, लगातार हम लोगों को मोदी जी के लिए सबको काम करना। उन्होंने कहा अगला दशक उत्तराखंड का होगा। अभी देखिए ये हाईवे बन गया ऑल वेदर रोड, अब नीचे से ट्रेन जाएगी। अब जब यहाँ से ट्रेन जाएगी तो क्या विकास होगा आप सोचिए, कैसा तीर्थाटन का विकास होगा, कैसे पर्यटन का विकास होगा, कैसे साहसिक खेलों का विकास होगा। ये पूरा इलाका बदलने वाला है, ये गढ़वाल पूरा बदलने वाला है और इस गढ़वाल में बेरोजगारी दूर दूर तक नहीं दिखेगी, ऐसा होने वाला है। बिल्केदार एक जगह है श्रीनगर में, पौड़ी गढ़वाल की कई महत्वपूर्ण सीटें हैं और अलग अलग सीटों पर किस तरह से प्रचार किया जाता है उसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि हर जगह पर जाकर कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करना, अपने समर्थकों के साथ मुलाकात करना, आम जनता के साथ संपर्क करना, ये एक तरीका होता है। और जब उत्तराखंड के लोकसभा चुनाव की बात होती है तो पहाड़ों में बड़े दुर्गम रास्ते होते हैं और इन दुर्गम रास्तों के बीच में 200-250 किलोमीटर 300 किलोमीटर का सफर तय करना ये आसान नहीं होता। और रोज अनिल बलूनी कम से कम 200-300 किलोमीटर चलते हैं और लगातार इसी तरह सभाएं करते हैं। तो यहाँ पर ये सभा चल रही है इस वक्त, बिल्केदार जगह है श्रीनगर, जो पौड़ी गढ़वाल का एक महत्वपूर्ण नगर कह लीजिए, कस्बा कह लीजिए। यहाँ पे अनिल बलूनी अपने समर्थकों के बीच में है। वैसे ये भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत गढ़ है, बड़े बड़े चेहरे लड़े हैं यहाँ से, बीसी खंडूरी साहब लड़े हैं। अनिल बलूनी जी के लिए लोकसभा चुनाव का ये पहला मौका है, इससे पहले राज्यसभा सांसद के तौर पर, विधायक के तौर पर उन्होंने चुनावी राजनीति को देखा है, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए अब वो लगातार जनसंपर्क करते हुए लोगों के बीच में जा रहे हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो इस बार यहां से चुनाव बड़े मार्जिन के साथ में जीतेंगे।